अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू MCPSS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 10, पार्ट फर्स्ट। बच्चों, ये है हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, मीठी सारंगी। सारंगी का मतलब पता है आपको? सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस तरह का, जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी सुनाई देती है, मतलब मीठी होती है, सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है। तो आइए हम लोग एक कहानी आज पढ़ते हैं, वो है इस सारंगी के बारे में ही। तो चलिए हम पढ़ते हैं मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव था, वहां पर कौन आया? एक सारंगी वाला। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वो सारंगी बजाता था कैसी? बहुत ही अच्छी। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब रात को उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो गए और क्या करने लगे? गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। और जब उन्होंने वो उसकी आवाज़ सुनी तो कैसी थी? बहुत ही मीठी थी। और उसकी इस सारंगी की बजाने को सुन के वो दंग रह गए। दंग रह गए मतलब हैरान रह गए कि वाह, सब कितनी अच्छी बजाता है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। सब लोगों ने क्या कहा कि कैसी मीठी सारंगी है, ये सारंगी कितनी अच्छी बजाते हैं, आह कितना आनंद आ रहा है। उन्होंने बोला कि कितना आनंद आ रहा है मतलब मज़ा आ रहा है सुनने में उनको। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो वहाँ पर पास में एक आदमी बैठा था जिसका नाम था भोला, और वह क्या कर रहा था? इनकी आवाज़ें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। अब उसने क्या बोला कि इन लोगों को सबको सारंगी सुनने में कैसी लग रही है? बहुत मीठी लग रही है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। वो मन में ऐसे सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। अब थोड़ी देर बाद उसने क्या सोचा कि सारंगी वाले के पास मैं बैठूंगा तो शायद मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो उसने क्या किया कि वह सारंगी वाले के पास में जाकर बैठ गया। ये देखिए, जैसे ही वो वहाँ यहाँ चला गया सबके बीच में से उठ के, कि उसने सोचा शायद मेरे मुँह कैसा हो जाए, मीठा हो जाए। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। रात को जब बहुत देर हो गई, 3-4 बज गए, तो सारंगी वाले ने क्या किया, सारंगी बजाना बंद कर दिया। तो लोगों ने उसको बोला कि आपकी सारंगी की आवाज़ कैसी है, बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, यानी हमें बहुत ही मज़ा आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो उसने बोला कि आप 2-4 दिन तक यहीं ठहरिए, मतलब यहीं रुकिए। ये किसने बोला? गांव वालों ने बोला। अब क्या हुआ, गांव वाले तो उसको 2-4 दिन के लिए वहीं रोक रहे थे, लेकिन वो जो आदमी था जो सोच रहा था कि मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ, उसने क्या बोला देखते हैं। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। भोला जो था, वो जो आदमी जिसका मुंह मीठा नहीं हो रहा था सारंगी की आवाज़ सुनकर, उसने क्या बोला, उसको मन ही मन झुंझलाहट आने लगी कि भाई ये सब लोग तो इतना खुश हो रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है इनको, और मेरा तो मुंह भी मीठा नहीं हुआ। तो वो झुंझला उठा मन ही मन और सोचने लगा। मन में क्या सोचने लगा वो, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। अब वो सब कह रहा है, वो सोच रहा है मन में कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत मीठी है सारंगी, बहुत मीठी है, तो ये सब झूठ तो नहीं बोलेंगे। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब वो बोल रहा है कि सारंगी जरूर मीठी होगी, लेकिन मुझे क्या नहीं हो रहा है, स्वाद यानी टेस्ट नहीं आ रहा है। तो वो मन में ये सारी बातें सोच रहा था। अब आप खुद सोचिए कि क्या मीठी सारंगी जो है वो मीठी है, तो इसके लिए उसको मुंह में स्वाद आएगा मुंह में? नहीं आएगा, है ना। क्या होगा, सारंगी का जो स्वाद है वो क्या मुंह से आता है? नहीं आता ना।
किससे आता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की ये स्टोरी समझ में भी आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।